Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Sadia from BJAM's Patisserie. आपको आज हम शुगर बटरफ्लाई बनाना बताएंगे. बहुत ही ईजी हैं लेकिन इतनी खूबसूरत लगती हैं कि आपका दिल चाहेगा कि फ़ौरन बना लें. ठीक है, ये है हमारी बटरफ्लाइज. देखा आपने कितनी ज़बरदस्त हैं. और ये हमने बटरफ्लाइज एक ऑर्नामेंट जो मैंने पेस्टल आर्च का बनाया था उस पर भी यूज़ की है. फिर मैं जो हूँ ये चॉकलेट मून में जो मैंने ईद का चॉकलेट मून केक बनाया उसके ऊपर भी आपको हम डेकोरेट करके दिखाएंगे किस तरह बनाते हैं. तो आप ऑर्नामेंट देख लें. चलें फिर हम शुरू करते हैं अपनी बटरफ्लाई बनाना. बटरफ्लाई बनाने से पहले हम याद दिला दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो फौरन मिल सके. चलें फिर शुरू करते हैं. जी बस अब हम आपको बटरफ्लाई बनाना बताएंगे. ये पैचवर्क कटर्स की मुख्तलिफ बटरफ्लाई के बहुत साइजेस में आ जाती है ये. तो ये पैचवर्क कटर की है लेकिन आपको दूसरी किसी कंपनी की भी मिल जाएंगी. कुछ तो मोल्ड आ जाते हैं तो मोल्ड में भी आप बना सकते हैं. मेरे पास ये कटर हैं, ये बड़े अच्छे कटर हैं. तो आपके पास आपको आप फाइंड आउट करें कि ऑनलाइन आपको कौन से अच्छे कटर मिल रहे हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आप आइडिया कर लें बस किस तरह बनाते हैं. तो इसके लिए मुझे फ्लावर पेस्ट या गम पेस्ट चाहिए होगा तो मैं उसको अच्छी तरह रोल आउट करूँगी. थोड़ा सा थिक होना चाहिए. ठीक है, ये देखें ये इसमें आ जाएगा. अब हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके ताकि इसके सारे जो पैटर्न हैं वो उस पर आ जाए और कटिंग भी आराम से हो सके. ठीक है, इसको यहाँ से उठा लेंगे. ये देखें ये हमारी पूरी बटरफ्लाई निकल गई. अब जो बचा हुआ फ्लावर पेस्ट है गम पेस्ट है इसको अच्छी तरीके से सॉफ्ट करके आप किसी बॉक्स में रख दें. ठीक है, अच्छा अब इसको हमें किस तरह ड्राई करना है. कोई भी कार्ड ले लें आप, उसको ऐसे हाफ करें. ठीक है, तो फिर इधर से भी आप थोड़ा सा फोल्ड कर लें और इधर से भी फोल्ड कर लें. ये ऐसा बन गया. अब इस पे इस बटरफ्लाई को आप इस तरीके से रख के और ड्राई करें. ठीक है, उसी तरह बटरफ्लाई लगा बनाते जाएं और यहाँ रखते जाएं. अच्छा, मैंने कल जो है ये बनाई थी और इसमें रखा था. ये देखें ये अच्छी खासी अच्छी ड्राई हो गई है. देखें कितनी ज़बरदस्त हो गई हैं. ये देखें सारी. अब मैं आपको इस पर पेंट करना बताती हूँ. अब देखें ये मैंने अपने पेंट जो हैं ये रेडी कर लिए हैं. ब्रश ये ब्लैक है कलर, इस पर ब्रश पे लगा दिया है ताकि अगर हम रखें तो ये नीचे ना टच हो. ठीक है, अच्छा ये थिक है कलर, जेल कलर है. अगर ज़रूरत होगी तो मैं इसमें पानी का ऐसे स्प्रे कर दूंगी, कलर सेट हो जाएगा. अब हम अपनी जो है बटरफ्लाई लेंगे और उसको पेंट करेंगे. ठीक है, बहुत ही हल्के हाथों से आपने पेंट करना है. ये देखें ये मैंने कर दिया था दिन में तो ये इस कलर की भी हो गई है, इस कलर की भी हो गई, रेडी है. मैं एक स्मॉल पे करके दिखाती हूँ आपको. ठीक है, ये अब रेडी हो गई है. मैं इसको कार्ड पे रख देती हूँ. जी व्यूअर्स ये देखें मैंने पेंट किया था. अभी ये ड्राई नहीं हुआ है क्योंकि इसको कम से कम एक दिन तो ज़रूर चाहिए पेंट को ड्राई होने के लिए. लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको आगे का बता देती हूँ.
अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई आपकी ब्रेक हो जाए बटरफ्लाई, ये रही, ये ठीक है, इसमें ब्रेक हुई है एक तरफ से और ये बॉडी मैंने इसकी अलग कर दी। ठीक है, मैं बॉडी अलग बना के फिर इसमें ज्वाइन करूँगी। मैंने ब्लैक फ्लावर पेस्ट लिया है तो उसकी बॉडी बना दें। ठीक है, किसी भी टूथपिक्स पे या ड्रेजन टूल से हम इसकी बॉडी बनाएंगे। चाहें तो आप पहले इसको रखें इस पे, फिर इस पे ग्लू लगाएं और फिर हम इसकी जो विंग्स हैं वो इस पे अटैच कर देंगे। तो ये इसके फिर हम अटैच करने के बाद इसके पूरा वन डे हम इसको ड्राई होने का वेट करेंगे। और दूसरा जो है इसमें मैंने पहले जो है उसकी बॉडी रखी थी और उस पर ये अटैच कर दिया था। ठीक है, अब मैं जो हूँ दोनों विंग्स रखूंगी। और उसके ऊपर मैं ये बॉडी बना के दो हम ये ले लेंगे, हमारे स्टेमिन्स होते हैं जो हम फ्लावर पर लगाते हैं, उसको मैं काट लूंगी। इस पे मैं थोड़ा ग्लू लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसकी ये बॉडी को रख दूंगी। और रखने के बाद भी आप चाहें तो इस पे ड्रेजिन टूल से निशान लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी बटरफ्लाई लगा दी। अच्छा, ये जो है ना अभी सेट नहीं हो रही है तो थोड़ा सा आप टिश्यू लगा दें साइड पे बैलेंस करने के लिए, जब ये हो जाएगी तो फिर हम टिश्यू हटा देंगे। इसी तरह मैं ये एक छोटी सी भी ये वाली भी लगा देती हूँ, यहाँ लगा देती हूँ, ये खाली जगह लग रही है, ये तो लग गई, छोटी सी है ना। चलें अब देखें कितना अच्छा हमारा ये चॉकलेट मून जो है डेकोरेट हो गया है। थोड़ी देर में मैं ये टिश्यू हटा दूंगी क्योंकि जम जाएगा, फिर आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स, देखा आपने कितना इजी है बटरफ्लाईज बनाना। आपका भी दिल चाह रहा होगा कि फौरन बना लें, तो फिर इसको फौरन बनाइए। लेकिन बनाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो फौरन मिल सके। शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। फिर चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।